और चेयरमैन सैनेट की मराहत में इजाफे के बिल की मजीद तफसीलात समाने हासिल कर ली है। नए कानून के तहत तमाम साबिक चेयरमैन सैनेट को ताहयात इजाफी मराहत दी जाएंगी। इजाफी मराहत में क्या क्या शामिल है, उस्मान जावेद मलिक अपनी रिपोर्ट में बता रहे हैं। ऐवाने बाला के कस्टोडियन और अहले खाना के मजे ओहदे ना भी रहे तो सहूलियात खत्म नहीं होंगी। समाने मराद बढ़ाने से मुतालिक 16 जून को मंजूर बिल की मजीद तफसीलात हासिल कर ली। ओहदे की मुद्दत के दौरान रिहाइश की तजीनो आराइश पर 50 लाख तक खर्च किए जा सकेंगे। घर का किराया बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए महाना कर दिया गया। अहले खाना समेत इलाज मुआवजे की सहूलियात हासिल। बैरून मुल्क जाने के लिए चेयरमैन किसी एक फैमिली मेंबर को साथ ले जाने के मजाज। सरकारी तैयारे पर घर के 4 अफराद को साथ ले जा सकेंगे। नए बिल के मुताबिक सरकारी गाड़ी अहले खाना भी इस्तेमाल कर सकेंगे। चेयरमैन सैनेट 12 अहलकारों पर मुश्तमिल जाती अमला रखने के मजाज। तमाम साबिक चेयरमैनों को अब सिक्योरिटी के लिए दर्जनों अहलकार मिलेंगे। चेयरमैन सैनेट अब 18 लाख रुपए तक सवाब दीदी फंड भी इस्तेमाल कर सकेगा। नए कानून के मुताबिक बैरून मुल्क सफर में चेयरमैन सैनेट को नायब सदर का प्रोटोकॉल मिलेगा। बजट सेशन के बाद बिल मंजूरी के लिए कौमी असेंबली भेजा जाएगा। सैनेट सेक्रेटेरिएट ने दावा किया कि नए कानून से कौमी खजाने पर इजाफी बोझ नहीं पड़ेगा। उस्मान जावेद मलिक, समा, इस्लामाबाद।